Hello friends, in this basic sciences lecture, today we will see about physical and chemical changes. So this physical and chemical changes lecture, it will be useful for all students who are preparing for different types of competitive exams, and this lecture it is also useful for school students. So generally this physical and chemical changes, this chapter is having for class 7 students, so that students they will also benefited from these lectures. So all of you know that there are so many changes takes place in the nature, and ये जो changes है ये चेंजेस कुछ परमानेंटली होते हैं और कुछ टेम्पररी होते हैं. और यहाँ पे एक चीज़ हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब पर्टिकुलर चेंज वहाँ पे होता है तो एक तो वहाँ पे नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है या फिर वही सब्सटेंस रहता है लेकिन उनमें उनकी प्रॉपर्टीज वहाँ पे चेंज होती है. तो ये जो चेंजेस है जिसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं एंड केमिकल चेंजेस कहते हैं. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिजिकल चेंजेस एंड इट्स एग्जांपल्स. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम फिजिकल चेंजेस क्या है, उनके कौन से एग्जांपल्स है, ये आज हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस टुडेज वीडियो लेक्चर. नाउ सी हियर, नाउ वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस. हमारे आजू बाजू में बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और ये जो सब्सटेंसेस हमारे आजू बाजू में हैं, एक तो ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं या फिर ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं या फिर ये गैसियस स्टेट में रहते हैं. मतलब दीज सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस दीज आर दी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. और ये हर सब्सटेंस जो हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है, दैट विल कम अंडर this solid, it will come under this liquid, or it will come under this gaseous state. So we will see some examples of these solid substances, liquid substances and gaseous substances. यहाँ पे मैंने डायग्राम में सब examples दिए. ये जो अगर हम solid substances के example हम देखेंगे तो उसमें hat है, उसके बाद pencil है, हमारी pen है, हमारे books है, हमारे tables है, chairs है, हमारा मोबाइल, हमारे टीवी, ये सब सॉलिड सब्सटेंसेस है. या फिर स्टोन, सो दीज आर दिस स्केटिंग बोर्ड, देन दिस इज टेबल, स्नो, देन एप्पल, कौन से भी प्रकार के फ्रूट्स हो, कौन से भी प्रकार के वेजिटेबल्स हो, रॉ वेजिटेबल्स, दैट ऑल विल कम्स अंडर दिस सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर. या फिर बाइसिकल, स्कूटर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या फिर कंप्यूटर, या फिर इसका ये माउस, कीबोर्ड, देन ट्री हाउस और दिस ट्री, एंड सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर जनरली विच आर सॉलिड इन नेचर, एंड ऑल दीज सॉलिड सब्सटेंसेस दे आर प्रेजेंट अराउंड अस. उसके बाद है लिक्विड्स. अभी लिक्विड में है वाटर इन पूल, या फिर हम ये भी कह सकते कि वाटर इन वेल, देन वाटर इन लेक्स, वाटर इन डैम्स, वाटर इन आवर ग्लास, all these are, so this is the liquid substance. Then milk, then any type of drink, then hot chocolate or coffee, rain water, then soup, juice, then different types of drinks that include that Pepsi, Coca-Cola or fruity, like that. So all these are the liquid substances. उसके बाद gaseous state में भी कुछ substances present है, जैसे कि wind, हमारी हवा, that is air, देन एयर इन हॉट एयर बलून, देन हमारी फैन की हवा, दैट इज दैट विंड विच इज कमिंग फ्रॉम द फैन, और स्टीम विच इज कमिंग फ्रॉम दिस आयर, देन विंड फ्रॉम दिस फायर फैन और फॉग और एनी टाइप ऑफ लिक्विड. सो दैट दैट इज नथिंग बट द लिक्विड स्टेट हियर, एंड दिस ऑल दिस सब्सटेंसेस दिज आर अंडर द गैसियस स्टेट हियर. अभी ये कौन सा भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, दे हैव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हियर. फॉर एग्जांपल,
if we see the properties of these substances here, so they have different types of properties. For example, say these states, either they are in solid state, they are in liquid state, or they are in gaseous state. So this is the very important property of any substance which is present around us. उसके बाद में है उनकी प्रॉपर्टी साइज, क्योंकि कौन सा भी सब्सटेंस हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, इन सब्सटेंसेस की साइज अलग अलग है, इनका शेप अलग अलग है. देन द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो डिफरेंट. देन ईच सब्सटेंस, इट हैज इट्स और देयर ओन स्पेसिफिक स्मेल. टेम्परेचर इज ऑल्सो डिफरेंट. देन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस इज डिफरेंट एंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट. सो ये जो सब प्रॉपर्टीज है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंसेस, दो इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दो इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, और दो इट इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. ओके, सो ये हो गए सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस एंड देयर प्रॉपर्टीज. उसके बाद अगर हम एक एग्जाम्पल देखो अभी, कि वेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस बिकम डिफरेंट, जब एकाधे सब्सटेंस की एक और उससे ज्यादा प्रॉपर्टीज अलग है या डिफरेंट है, देन वी कैन से दैट अ चेंज हैज बीन टेकन प्लेस इन दैट सब्सटेंस. एक ही सब्सटेंस है, एग्जाम्पल, जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर वाटर, और वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर आइस. एंड नाउ इफ देर इज अ चेंज इन द कलर, और देर इज अ सपोज इफ देर इज अ चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सब्सटेंस, देन वी कैन से दैट देर इज अ चेंज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दैट सब्सटेंस. जस्ट टेक द एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल ऑफ वाटर वी विल टेक हियर. सो हियर नाउ दैट वाटर, इट इज प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स. दिस इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, दैट आई मीन्स इट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर. देन दिस वाटर, इट इज अ लिक्विड स्टेट. दिस वाटर, इट इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर. इट इज अ लिक्विड स्टेट. एंड दिस स्टीम और गैस, इट इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर. सो वाटर, इट इज प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स हियर. ओके, दैट इज सॉलिड, दैट एग्जाम्पल इज आइस, लिक्विड दैट इज वाटर, एंड गैसियस स्टेट दैट इज स्टीम और गैस, वी कैन सी हियर. नाउ हियर व्हेन देर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ दिस आइस, दैट इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मेल्टिंग. सो दैट मेल्टिंग ऑफ आइस, इट रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आइस का जब मेल्टिंग हो जाएगा तो वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, वाटर तैयार हो जाएगा. यहाँ पे प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया, क्योंकि ये पहले सॉलिड स्टेट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. यहाँ पे आइस पहले सॉलिड स्टेट में था, इनके प्रॉपर्टी में चेंज हो गया और ये लिक्विड स्टेट में बन कन्वर्ट हो गया. अगेन यहाँ पे वाटर की प्रॉपर्टी में चेंज हो गया एंड इट गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट, गैस में उनका इसका कन्वर्जन हो गया. सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर टू गैस और लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, इट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन. तो यहाँ पे आपके समझ में आ गया कि व्हेन वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस बिकम डिफरेंट और इट गेट चेंज्ड, तब हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या हो गया, वहां पे चेंज हो गया. तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पे बताया, वाटर का एग्जाम्पल लिया, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो गया जिस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेल्टिंग, उसके बाद वाटर का कन्वर्जन गैसीय स्टेट में हो गया और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवेपोरेशन. और ये जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज होगी, ये प्रॉपर्टीज चेंज होगी, यहाँ पे स्टेट इसकी चेंज हो गई है, इसकी यहाँ पे क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई. पहले ये सॉलिड स्टेट में था, मेल्टिंग होने के बाद ये लिक्विड स्टेट में आ गया, और इसका इवेपोरेशन होने के बाद ये गैसीय स्टेट में आ गया. तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेंज हो गई, इसका मतलब देर इज अ चेंज इन टेक्स प्लेस इन दैट वॉटर. नाउ सी हियर, नाउ इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व मेनी चेंजेस अराउंड अस. हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं कि जिनमें वहां पे चेंज हो गया. तो एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, दिस इज मिल्क, कर्ड हमें सबको मालूम है. सो ये मिल्क, और ये बैक्टीरिया है जिसे हम बोलेंगे लैक्टोबैसिलस.
दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज लैक्टो बैसिलस हियर। हमारे घर में नाउ वी प्रिपेयर्ड कर्ड फ्रॉम मिल्क, सी दिस इज द कर्ड वी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क। हाउ वी प्रिपेयर्ड इट, जस्ट वी एड फ्यू और सम क्वांटिटी ऑफ दैट प्रीवियस कर्ड इन टू मिल्क। मिल्क में कुछ कर्ड डालने के बाद उस मिल्क का कन्वर्जन बाद में कर्ड में हो जाता है। तो ये जो चेंज है दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये हमारे हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में कर्ड बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि मिल्क में पहले से जो कर्ड बनाया हुआ है उसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, सो दैट विल गेट कन्वर्टेड टू कर्ड। सो दिस मिल्क एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और वो बैक्टीरिया है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, मतलब दूध का जो कन्वर्जन हो जाता है कर्ड में दही में, तो वो कौन करता है, ये बैक्टीरिया करता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। तो ये हमारे रूटीन लाइफ में चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं हमेशा के लिए। उसके बाद कुकिंग ऑफ फूड है, ये भी चेंज हो गया है। उसके बाद बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि हमारे घर में गैस होता है उसका बर्निंग होने के बाद, सो देयर इज दैट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इट इज ऑल्सो अ चेंज। तो ये सम चेंजेस वी रूटीनली ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ। ये भी चेंजेस है, कुछ अलग चेंजेस, ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, देन उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पहले जो रॉ फ्रूट्स रहते हैं उनका राइपनिंग होता है और दे गेट कन्वर्टेड टू राइपन फ्रूट्स। देन रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है हमारे, कभी कभी अगर हम साइकिल बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं खेले तो वहाँ पे कुछ रस्टिंग हो जाता है चेन पे ऑयल की, ऑयल ना होने की वजह से, या फिर जो पुराने आयरन की जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी रस्टिंग हो जाता है। सो ऑल दिस चेंजेस दिस आर नथिंग, चाहे वो मेकिंग ऑफ कर्ड हो, चाहे वो दैट कुकिंग फ्रूट्स फूड्स हो, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स हो, सो ऑल दी चेंजेस दे आर रूटीनली टेक्स प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ। सो दीज चेंजेस, ये जो भी चेंजेस है हमारे आजू बाजू में होने वाले हैं, हमारे डेली लाइफ में होने वाले हैं, एक तो ये चेंजेस, कुछ चेंजेस हमारे लिए बेनिफिशियल है और कुछ चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल है। सो दीज चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर एवरीडे लाइफ, दीज आर बेनिफिशियल और दीज आर हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल हम लेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का एग्जाम्पल, सो राइपनिंग जो रॉ फ्रूट्स है वो कन्वर्ट हो गए राइपन फ्रूट्स में जब हम वो खाते हैं। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्चुअली इट इज अ बेनिफिशियल चेंज, ओके, सो दिस इज अ बेनिफिशियल चेंज टू अस एंड देयरफॉर वी ट्राई टू मेक राइपनिंग फ्रूट्स फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड्स। ये हम कुछ कृत्रिम पद्धत से, कुछ कृत्रिम मेथड से हम कोशिश करते हैं कि ये फ्रूट्स का राइपनिंग जल्दी से जल्दी कैसे हो जाए। तो ये रॉ फ्रूट्स है और उसको हम चाहिए, देखो बनाना का यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया है, और इसे हम बोलेंगे राइपनिंग चेंबर। जो कुछ राइपनिंग चेंबर रहते हैं जहाँ पे वो जो रॉ फ्रूट्स है वो लेके जाने के बाद जल्दी से जल्दी उसका राइपनिंग किया जाता है। सो दिस आर द राइपनिंग चेंबर, बिकॉज दिस मेकिंग ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स फास्टर और इन शॉर्ट ड्यूरेशन बाय आर्टिफिशियल मेथड्स दैट इज बेनिफिशियल टू अस। एक्चुअली दिस राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स दिस आर बेनिफिशियल टू अस, एंड इफ दिस फ्रूट्स आर राइपनिंग बाय द नेचुरल वे देन इट इज मोर हेल्दी और मोर बेनिफिशियल टू आवर बॉडी, बिकॉज इन आर्टिफिशियल राइपनिंग मेथड देर इज अ यूज ऑफ केमिकल्स, ओके। दूसरा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, सो दिस रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज एक्चुअली हार्मफुल चेंज, इट इज नॉट बेनिफिशियल टू द पर्सन और दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हियर। ये हार्मफुल है तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या रहेगी कि वी विल ट्राई टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग ऑफ आयरन। जो भी ऑब्जेक्ट का रस्टिंग वहाँ पे हो रहा है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की, उस मटेरियल की रस्टिंग हम नहीं होने देंगे, एंड दैट कैन बी डन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पेंटिंग इज देयर, तो हम उस पर्टिकुलर आयरन के चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, मटेरियल को हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो रस्टिंग होने वाला था वो नहीं होगा वहाँ पे। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज एक्चुअली अ हार्मफुल और इट इज नॉट बेनिफिशियल चेंज, एंड देयरफॉर वी विल ट्राई टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग ऑफ आयरन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल
painting. See, this is the one car is showing here, and it is rusted. See here, this is the rusting of this material of the car here. And to prevent that rusting, see here, there is a iron rod is here. So there is a coloring is there or painting is there. So this painting or coloring, it will prevent the rusting of that iron. तो वहाँ पे वो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा. ओके, सो दिस चेंजेस दिस आर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू आवर बॉडी और टू अस. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर वो चेंजेस हमें बेनिफिशियल है तो वील ट्राई टू मेक दैट चेंजेस फास्टर बाय आर्टिफिशियल मेथड. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का. अगर वो चेंजेस हमारे लिए हार्मफुल है या फिर बेनिफिशियल नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि वो चेंजेस वहाँ पे नहीं होने चाहिए. तो इसके लिए भी हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स यूज करेंगे और यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन का. ओके, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी. सो द चेंजेस विच इज टेक्स प्लेस इन दैट सब्सटेंस दे डज नॉट ऑकर इन इट्स ओन. अभी ये जो भी चेंजेस ये सब्सटेंस में मैटर में हो रहे हैं ये उनकी खुद की वजह से नहीं हो रहे हैं. सो देर इज ऑलवेज अ कॉज विच ब्रिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर चेंज इन द सब्सटेंस. तो वहां पे कुछ ना कुछ रीजन वहां पे होता है, कुछ ना कुछ वहां पे कॉज होता है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल फिर से यहाँ पे मैंने वाटर का दिया है कि आइस इट डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन. आइस का खुद से मेल्टिंग नहीं हो जाएगा. अगर आइस को आप हीटिंग करोगे, उसको हीट देंगे, टेम्परेचर उसका उसको देंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आइस का कन्वर्जन वहां पे वाटर में हो जाएगा. ओके, सी हियर, आइस डज नॉट मेल्ट ऑन इट्स ओन टू फॉर्म वाटर. इट मस्ट बी गिवन सम हीट टू मेल्ट एंड चेंज टू वाटर. आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट होना है तो वो खुद से नहीं हो सकेगा, तो इसके लिए कुछ रीजन चाहिए और वो रीजन है हमारे यहाँ पे हीटिंग ऑफ दैट आइस. यहाँ पे सी हियर, आइस इज देयर इन दिस कंटेनर और वी कैन कॉल इट एज अ बीकर. सो दिस इज द बीकर और ये बीकर में आइस जो रखा है इसको हीट किया और बाद में इसका कन्वर्जन हो गया वाटर में. सो हीट इन दिस केस हीट इज द कॉज ऑफ दैट चेंज. तो यहाँ पे जो चेंज हो गया है, क्योंकि आइस ये सॉलिड स्टेट में है, इसका कन्वर्जन हीटिंग करने के बाद किस में हो गया, वाटर में हो गया. सो दैट वाटर इट इज लिक्विड स्टेट. तो यहाँ पे जो चेंज हो गया प्रॉपर्टीज में सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, इसके लिए जो कारण है, इसके लिए जो रीजन है वो है यहाँ पे दैट इज हीट. ये रीजन है यहाँ पे. सो दैट हीट इट इज द कॉज ऑफ द चेंज ऑफ दैट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो ये मतलब कौन सा भी चेंज अगर नेचर में हो रहा है तो ये दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस ऑन इट्स ओन. बिहाइंड दैट देर इज ऑलवेज अ रीजन और ऑलवेज अ कॉज विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज टू दैट सब्सटेंस और इन दैट सब्सटेंस. ये हो गया हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन फिजिकल चेंजेस के बारे में और चेंजेस के बारे में विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर एनवायरमेंट और सराउंडिंग टू अस. नाउ ये जो चेंजेस हैं नेचर में होने वाले, दीज चेंजेस आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर. वन इज फिजिकल चेंजेस एंड अनदर वन इज केमिकल चेंजेस. ये दो प्रकार के चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस और दूसरा प्रकार है केमिकल चेंजेस. तो आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे फिजिकल चेंजेस. सो इन दिस टूडेज लेक्चर वी विल सी, वी विल लर्न अबाउट दिस फिजिकल चेंजेस. सो लेट स्टार्ट दिस फिजिकल चेंजेस. सी यार, पहले तो हमारे मन में क्वेश्चन अभी आया है कि व्हाट इज मीन बाय दिस फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज हम किसे कहेंगे? तो ये डायग्राम यहाँ पे मैंने कुछ दिए है, ये डायग्राम देखिए आप. ये पहली जो डायग्राम है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में जो वाटर प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे आइस, बिकॉज दैट आइस इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. अगर इस आइस का मेल्टिंग हो गया है सो दिस मेल्टिंग इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो इसका कन्वर्जन, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा एंड दिस वाटर इट इज अ लिक्विड स्टेट. अगर ये लिक्विड वाटर का अगर फ्रीजिंग हो गया, हमारे फ्रीजर में हमने रख दिया, सो दिस फ्रीजिंग प्रोसेस इट रिलीजेस एनर्जी. फ्रीजिंग हो गया तो फिर से इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, आइस में हो जाएगा, जो कि ये सॉलिड स्टेट है. मतलब यहाँ पे चेंज हो गया,
आइस का कन्वर्जन वाटर में हो गया मेल्टिंग के प्रोसेस थ्रू, और वाटर का कन्वर्जन आइस में हो गया फ्रीजिंग प्रोसेस थ्रू। ये दूसरा डायग्राम देखो, यहाँ पे ये लकड़ी यहाँ पे मैंने दिखाई है और इसको ब्रेक किया है। जब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे फिर भी, या अगर पहली डायग्राम में आप देखोगे आइस ये H2O रहेगा और वाटर भी अगर फॉर्म में हो गया या फिर तैयार हो गया मेल्टिंग की प्रोसेस थ्रू, ये भी H2O हो गया। मतलब प्रॉपर्टीज में चेंज हो गया लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट हो गया लेकिन वो H2O ही है, H2O H2O, चाहे वो आइस हो चाहे वो वाटर हो। सेकंड डायग्राम में मैंने दिखाया यहाँ पे लकड़ी, अगर ये लकड़ी ब्रेक होने के बाद इसका जो कंपोनेंट रहेगा कंपोजिशन रहेगा ये सेम रहेगा, और ये जो सेकंड लकड़ी जो बनाई मतलब ब्रेक हो गई उसका भी कंपोजिशन सेम रहेगा। उसके बाद ये चौक पीस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, ये पाउडर का जो भी केमिकल नेचर है, जो भी केमिकल इसमें प्रेजेंट है, ये और ये चौक में ये भी सेम रहेगा, और यहाँ पे भी। ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम शीट भी अगर आपने ली या फिर इसकी वायर भी अगर आपने ली तो उसका जो कंपोजिशन है वो भी सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे चेंज तो हो रहा है वन फॉर्म टू, या फिर प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है लेकिन नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं तैयार हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि आइस ये लिक्विड सॉलिड स्टेट वाटर है, सॉलिड वाटर है, इसका प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद कुछ नया सब्सटेंस तैयार हो गया, ऐसा नहीं है। वहां पे भी वाटर है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में है। सेकंड एग्जांपल में भी लकड़ी ब्रेक करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कुछ, चलो लकड़ी का कुछ अलग सा बन गया या फिर लकड़ी का पानी तैयार हो गया वहां पे, ऐसा चीज नहीं है यहाँ पे। सो मतलब यहाँ पे नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो गया, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नो न्यू सब्सटेंस हियर। मतलब प्रॉपर्टीज में तो चेंज हो रही है लेकिन सब्सटेंस नया नहीं तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप देखिए चौक का पाउडर तैयार हो गया लेकिन कुछ नया चौक का मार्कर यहाँ पे नहीं तैयार हुआ, तो इसका मतलब है देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो शीट आपके पास थी उसकी समझो यहाँ पे वायर तैयार हो गई या फिर केबल तैयार हो गई, इसका मतलब ये भी नहीं है कि चलो उस एल्यूमिनियम शीट का आयरन हो गया या फिर उसका अलग सा कुछ मेटल हो गया। तो कुछ चेंजेस मतलब प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है लेकिन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस यहाँ पे नहीं तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब है, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज में तो चेंज हो रहा है लेकिन देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, सो दिस इज फिजिकल चेंज। और अलग से हम कुछ प्रॉपर्टीज आगे देखने वाले हैं, तो व्हाट इज फिजिकल चेंज हियर, तो हम अभी डिफाइन क्या कर सकते हैं। ये तो आपके समझ में यहाँ पे आ गया कि प्रॉपर्टी चेंज हो रही है लेकिन नया सब्सटेंस कुछ भी यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। तो इससे हम अभी डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज मीन बाय दिस फिजिकल चेंज। सो वी कैन डिफाइन दैट फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ओके, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। अगर उस चेंजेस में कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं तैयार हो रहा है तो उस चेंज को, या फिर उस चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस बोलेंगे। दूसरी डिफिनेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दोज चेंजेस इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर उस सब्सटेंस में के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है तो उस चेंज को भी हम फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में एग्जांपल्स देखे कि सॉलिड वाटर का कन्वर्जन लिक्विड वाटर में हो गया, या फिर ये चॉक का कन्वर्जन चॉक डस्ट में हो गया या फिर पाउडर में हो गया, या फिर लकड़ी भी ब्रेक करने के बाद दूसरी लकड़ी वहां पे तैयार हो गई, तो जस्ट इसके प्रॉपर्टीज में यहाँ पे चेंज हो गया। सो वी कैन से दैट दिस इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन वहां पे कुछ नया सब्सटेंस भी नहीं तैयार हो रहा है। जो सॉलिड वाटर आइस में स्ट्रक्चर था H2O, लिक्विड में भी वही H2O, सो इट रिमेंस सेम, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, सो दैट देन वी कैन से दैट और इट इज अ फिजिकल चेंज। तो अभी ये जो प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की या फिर मैटर की वो है दैट इज स्टेट, इट इज सॉलिड लिक्विड और गैसीय स्टेट, देन इसकी साइज,
उसका शेप, देन कलर, कलर, सो ऑफ स्टेट साइज शेप एंड कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस दीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किसे बोलेंगे, तो वो जो भी सब्सटेंस है, अगर हमने वाटर लिया है या लकड़ी ली है, तो उसकी स्टेट ये सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या गैसीय स्टेट में, उसकी साइज, उसका शेप या फिर उसका कलर, ये सब सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज. और ये जो फिजिकल चेंजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें फिजिकल चेंजेस में, कि ऑल दीज फिजिकल चेंजेस दीज आर टेम्पररी चेंजेस, ये परमानेंट नहीं है. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे वाटर का, आइस का, आइस का कन्वर्जन जब आप करोगे वाटर में, उसके फिर से ये वाटर का कन्वर्जन आइस में हो जाएगा. मीन्स व्हेन यू विल कीप दैट वाटर कंटेनर इन फ्रीजर, अगर आप उसे फ्रीजर में रखेंगे तो फिर से वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, आइस तैयार हो जाएगा. मतलब ये जो पहले कन्वर्जन हुआ था आइस का वाटर में, ये परमानेंट चेंज नहीं है, आप फिर से आइस उस वाटर से तैयार कर सकते हैं. इसका मतलब ये टेम्पररी चेंज है. तो ये फिजिकल चेंजेस ये कैसे हैं, टेम्पररी चेंजेस हैं, एंड दैट कैन बी इजीली रिवर्स टू द फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस. जैसे हमने पहले आइस था हमारे पास, ओरिजिनल सब्सटेंस हमारा आइस था, उसे हमने मेल्ट किया, उसका कन्वर्जन वाटर में हुआ है, उसको हमने रिवर्स किया. रिवर्स किया मतलब उस वाटर को हमने फिर से फ्रीजर में रखा और उसका कन्वर्जन हो गया आइस में. सो वी कन्वर्ट दैट वाटर और रिवर्स दैट लिक्विड स्टेट टू अगेन सॉलिड स्टेट. एंड हियर वेरी लिटिल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन दैट फिजिकल चेंजेस. अभी कैरेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, सो विच आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज के कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ फिजिकल चेंज. तो पहला जो कैरेक्टर है वो है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इन ए फिजिकल चेंज. ये पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो भी फिजिकल चेंज वहां पे हो रहा है उसमें कुछ भी नया सब्सटेंस तैयार नहीं होगा. सेकंड प्रॉपर्टी है अ फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज एंड कैन बी इजिली रिवर्स. फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज है, दिस इज नॉट परमानेंट चेंज, एंड वो रिवर्स कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने वाटर का आपको बताया, आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा, फिर से हम कर सकते हैं वाटर का कन्वर्जन आइस में. सो ये जो चेंज हो गया आइस टू वाटर और वाटर टू आइस, ये टेम्पररी चेंज है. तीसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल चेंज की, वेरी लिटिल एनर्जी इज दैट इज हीट इज एब्जॉर्ब और इट इज इवॉल्व. तो वहां पे हीट की जरूरत भी है एनर्जी की और वहां पे रिलीज भी हो जाता है. ओके और फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल चेंज का, वो है टेम्पररी चेंज इन कलर मे टेक्स प्लेस इन फिजिकल चेंज. तो वहां पे कलर में टेम्पररी चेंज वहां पे हो सकता है. तो ये दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल चेंज. सो एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पे, सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फिजिकल चेंज हियर, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस, देन बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, देन कंडेंसेशन ऑफ स्टीम टू वाटर. अगर स्टीम का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे. ओके आइस का कन्वर्जन अगर हम वाटर में कर रहे तो उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे. देन इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, और ये वाटर का कन्वर्जन अगर हम स्टीम में वाटर वेपर में कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन. देन कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड वाटर, सी दिस इज द सेम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम और वाटर वेपर टू फॉर्म वाटर और दैट इज लिक्विड वाटर. देन कटिंग ऑफ क्लॉथ, ब्रेकिंग ऑफ चॉक स्टिक, देन कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इंटू चॉक पाउडर और चॉक डस्ट, देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, देन ब्रेकिंग ऑफ ए वुडन स्टिक, देन कटिंग ऑफ ए लॉग ऑफ वुड इंटू पीसेस ऑफ वुड, देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स,
then drying of wet cloths, dissolving of salt in water to make salt solution, then dissolving of sugar in water to make sugar solution, then making of soda water by dissolving carbon dioxide. So all these are the physical changes here. So these next changes are, see, these are the examples of already. The next one is here, stretching of a rubber band, then grinding of particular substance in a grinder, then hammering of metals to form thin sheets. For example, beating of aluminium metal to form aluminium foil or sheet. So this is the example of physical change. Then stretching of metals to form wires, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा है. देन कन्वर्जन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी, टू फॉर्म लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर टू गैसियस फॉर्म व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंडर इनटू द गैस टू. जब हमारे घर में हम सिलेंडर से जब शेगड़ी में या फिर गैस शेगड़ी में स्टोव में हम उसको ट्रांसफर करते हैं, सो इट अंडर प्रेशर इट इज, सो इन दिस वे दैट कैन बी अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे ये फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हो गए. सो वी विल सी नेक्स्ट वन एग्जाम्पल्स ऑफ दैट फिजिकल चेंजेस इन डिटेल, कि वेदर कटिंग ऑफ पेपर इट इज अ फिजिकल चेंज. अगर हमने पेपर को कट किया है, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस उसके हमने बनाए हैं, तो ये फिजिकल चेंज है क्या, तो ये हम देखेंगे. तो उसके लिए आपको क्या एक्टिविटी करना है, कि जस्ट यू हैव टू टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस. एक पेपर लीजिए, आप पेपर शीट लीजिए और उसको कट कीजिए मेनी पीसेस में. नाउ वी कैन नॉट जॉइन द कट पीसेस ऑफ पेपर टू मेकिंग अ ओरिजिनल शीट ऑफ पेपर. ओके, तो उसको हम ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, बट ईच स्मॉल पीस ऑफ पेपर इज स्टील पेपर. अभी ये जो स्मॉल स्मॉल पीसेस आपके तैयार हो गए हैं उस पेपर शीट को कट करने के बाद, तो जो भी स्मॉल स्मॉल पीसेस है, इसमें कुछ चेंज हो गया क्या? नहीं. तो ये भी पेपर है लेकिन स्मॉल पेपर है. सो ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ दैट शीट ऑफ पेपर इनटू पीसेस, सो द चेंज हैज बीन टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पे चेंज हो गया किसमें? साइज में चेंज हो गया. ओनली द साइज एंड शेप ऑफ दैट पेपर हैज चेंज्ड. साइज चेंज हो गई, उसका शेप चेंज हो गया, क्योंकि जो बड़ा शीट आपके पास था पेपर का, उसकी साइज बड़ी थी और उसका एक पर्टिकुलर शेप था. लेकिन जब आपने उसे कट किया, उसके पीसेस किए, तो यहाँ पे नया सब्सटेंस तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो पीसेस यहाँ पे तैयार हो गए, खाली उनकी साइज छोटी हो गई और उनका शेप जो था वो चेंज हो गया. सो देर इज अ व्हेन देर इज अ कटिंग ऑफ दैट पेपर शीट इनटू लार्ज नंबर ऑफ पीसेस, देन देर इज अ चेंज टेक्स प्लेस, बट दैट चेंज इज टेक्स प्लेस ओनली इन द साइज एंड द शेप ऑफ दैट पेपर. ओके, बट देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. तो इससे हम कह सकते हैं कि द कटिंग ऑफ पेपर और टियरिंग ऑफ पेपर इट इज अ फिजिकल चेंज. ओके, तो चाहे पेपर की जगह पे आप कुछ भी ले, चाहे बड़ी लकड़ी आपने ली, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस आपने टुकड़े टुकड़े बनाए, तो वहां पे भी उनके साइज और शेप में चेंज होगा, लेकिन नया सब्सटेंस वहां पे कोई कौन सा भी तैयार नहीं होगा. इसका मतलब है कटिंग और टियरिंग ऑफ दिस पेपर और ब्रेकिंग ऑफ दैट चॉक फॉर एग्जाम्पल, और दैट लकड़ी का भी अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े आपने किए, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है. ओके, नाउ सी हियर, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स डिटेल में देखेंगे कि व्हाई दैट पर्टिकुलर चेंज इज अ फिजिकल चेंज. कि जो भी चेंजेस हम अभी आगे वाले एग्जाम्पल में देखने वाले हैं, तो उसे हम फिजिकल चेंज क्यों कह सकते हैं, ऐसा उसमें क्या होगा कि जिसकी प्रॉपर्टीज की वजह से या फिर उस एक्टिविटी की वजह से हम उस चेंज को फिजिकल चेंज बोलेंगे. तो पहला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस और फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो ये फिजिकल चेंज है, दैट्स वी नो, बट हाउ वी कैन प्रूव दैट, हम इसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? नाउ टेक सम आइस इन बिकर एंड कीप इट असाइड फॉर सम टाइम. एक बिकर में आप थोड़ा सा आइस लीजिए और उसे कुछ देर के लिए साइड में रखिए. सो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, वी विल सी दैट आइस मेल्ट, आइस का मेल्टिंग हो जाएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सी ये डायग्राम में भी मैंने दिखाया है, सॉलिड वाटर दैट इज
ice. After sometimes there is a melting of this ice takes place and there is a water is formed which is in liquid state. अगर फिर से हमने ये जो लिक्विड वाटर है हमने फ्रीजर में रख दिया, मतलब फ्रीजिंग प्रोसेस हम कर रहे हैं, तो फिर से इस लिक्विड वाटर का कन्वर्जन सॉलिड वाटर में हो जाएगा, मतलब वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, आइस तैयार हो जाएगा। ओके, ये बीकर के फिगर्स मैंने दिखाए, सी दीज आर द ग्लास बीकर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, सी द साइज ऑफ दिस बीकर इज डिफरेंट, 200 ml कैपेसिटी अप टू हियर, 200 लिक्विड हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे 100 ml लिक्विड हम यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे तो ये 20 ml लिक्विड हम यहाँ तक डाल सकते हैं, ये कैपेसिटी अलग अलग है हर एक बिकर की। ओके, सो दिस इज द बिकर। उसके बाद सो हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग टू मेल्ट एंड फॉर्म वाटर, उसको अगर हीट हमने किया तो वहां पे मतलब मेल्टिंग हो जाएगा और देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नाउ हियर दो दैट आइस एंड वाटर लुक्स डिफरेंट, क्योंकि अभी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, पहले आइस की प्रॉपर्टी मतलब स्टेट जो थी वो सॉलिड स्टेट थी, मेल्टिंग करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया एंड दैट लुक्स डिफरेंट बिकॉज आइस, इफ यू सी द शेप ऑफ दैट आइस इट इज डिफरेंट एंड इफ यू सी द वाटर विच इज लिक्विड इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर। ओके, तो दे लुक्स डिफरेंट बट दे आर बोथ मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आइस है तो उसका केमिकल कंपोनेंट कुछ अलग है और वाटर है तो उसका कुछ अलग है, दैट इज नॉट द केस, दे आर मेड अप ऑफ सेम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज नथिंग बट दी H2O। आइस में भी अगर आप देखोगे तो H2O है, वाटर में भी मतलब H2O है, टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है देर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का जब मेल्टिंग हो रहा था या फिर होने के बाद वहां पे कोई नया सब्सटेंस वहां पे तैयार नहीं हुआ है, देर इज ओनली चेंज टेक्स प्लेस फ्रॉम दैट इज इन द स्टेट एंड दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। क्योंकि आइस से लिक्विड सॉलिड स्टेट में था, उसका मेल्टिंग होने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो गई और इट विल बिकम लिक्विड स्टेट। सो द मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि एक तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमने देखे, चार प्रॉपर्टीज, एक तो नया सब्सटेंस वहां पे तैयार नहीं हुआ और यहाँ पे स्टेट चेंज होगी, दैट इज इन दिस केस सॉलिड टू लिक्विड। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि दैट मेल्टिंग ऑफ आइस इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ द चेंज विच ऑकर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, अभी ये जो चेंज हो गया है मेल्टिंग का मतलब आइस टू वाटर, सो दैट कैन बी रिवर्स, रिवर्स मतलब अगेन यू कैन चेंज दैट वाटर टू आइस। सो हाउ यू कैन चेंज, जस्ट बाय फ्रीजिंग, फ्रीजिंग दैट वाटर एंड देन इट विल फॉर्म आइस और इट गेट कन्वर्टेड टू आइस अगेन। वाटर का अगर आप फ्रीजिंग कर रहे हैं तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब अगेन दैट प्रोसेस और दैट चेंज कैन बी रिवर्स, दैट इज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। तो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं फिर, कि नाउ लेट्स कीप द बिकर ऑफ वाटर इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। हमारा जो फ्रिज हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है उसमें ऊपर के साइड में एक छोटा सा कंपार्टमेंट रहता है जिसे हम फ्रीजर बोलते हैं, वहां का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो अगर ये जो बिकर है आपका जिसमें आपने वाटर लिया है या फिर जो पहले स्टेप का हमारा वाटर था वो हमने लिया है, नाउ ये बिकर आपको फ्रीजर में रखना है। आफ्टर फ्यू आवर्स व्हाट विल हैपन, नाउ द वाटर विच इज केप्ट इन द फ्रीजर ऑफ दैट रेफ्रिजरेटर इट गेट कूल्ड टू मच एंड इट गेट फ्रीजेस और इट गेट सॉलिडिफाइड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस। तो वहां पे क्या तैयार हो जाएगा, आइस तैयार हो जाएगा, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ये वाटर का फ्रीजिंग हो जाएगा जो लिक्विड स्टेट में था, और फ्रीजिंग होने के बाद वहां पे आइस तैयार हो जाएगा जो सॉलिड स्टेट में है। तो इन दिस केस दैट लिक्विड वाटर इट गेट चेंजेस इनटू सॉलिड वाटर विच इज कॉल्ड एज आइस, उसे हम क्या बोलेंगे, आइस बोलेंगे। यही इसी ये एग्जाम्पल में भी वहां पे चेंज हो गया है, अगेन दैट इज ओनली इन द स्टेट, यहां पे भी चेंज हो गया लेकिन स्टेट में चेंज हो गया है बिकॉज दैट लिक्विड वाटर गेट कन्वर्टेड टू सॉलिड। सो यहां पे जो चेंज हो गया स्टेट में, लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, दिस चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ आइस। यहां पे क्या तैयार हो गया,
आइस तैयार हो गया, लेकिन यहां पे भी कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं तैयार हुआ। मतलब वाटर जिसमें H2O था, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन, और आइस में भी सेम है, इसका कुछ चेंज नहीं हुआ है, नया सब्सटेंस वहां पे तैयार नहीं हुआ है। तो इसीलिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस इज अ फिजिकल चेंज। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, एंड दैट वॉज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये हमने प्रूव किया है कि ये जो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड हो रहे हैं, कुछ भी नया सब्सटेंस यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। सी यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखाई है कि यहाँ पे आपको आपने वाटर को बॉइल किया है, सो दिस बॉइलिंग ऑफ वाटर। अभी आपको क्या करना है, टेक सम वाटर इन हार्ड ग्लास बीकर एंड हीट इट टिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। आपको ग्लास बीकर में वाटर लेना है और उसे आपको हीट करना है बर्नर पे, यहाँ पे दिखाई मैंने डायग्राम। तो आप हीट करने के बाद व्हाट विल हैपन व्हेन द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, वाटर की बॉइलिंग जब शुरू हो जाएंगी, देन वी कैन ऑब्जर्व द स्टीम विच इज राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। सी यहाँ पे मैंने स्टीम दिखाई है ये, सो दिस स्टीम इट इज राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर आफ्टर बॉइलिंग ऑफ दैट वाटर। वो वाटर बॉइल होने के बाद उससे स्टीम रिलीज हो जाएंगी, स्टीम ऊपर आ जाएगी, सो दिस इज द वन चेंज हियर, सो दैट नाउ दैट वाटर इज इन अ लिक्विड एंड स्टीम इज गैस। ये जो वाटर था बिकर में ये लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे बॉइलिंग करने के बाद जो स्टीम यहाँ पे आ गई ये गैसियस स्टेट में है। ओके, सो व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे क्या हो गया कि व्हेन दैट वाटर इज बॉइलिंग और ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर देयर इज अ चेंज टेक्स प्लेस इन द स्टेट हियर। यहाँ पे भी उसकी स्टेट में चेंज हो गया है, क्योंकि बिकर में जो वाटर हमने रखा था वो लिक्विड स्टेट में था, बॉइलिंग करने के बाद वो गैसियस स्टेट में गया, तो देयर इज अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ओके, सो दो दैट वाटर एंड स्टीम दे लुक डिफरेंट, क्योंकि स्टीम अगर आप देखोगे तो वो अलग है और जो बिकर में आपके वाटर है वो अलग है, इट इज लुकिंग डिफरेंट बट दे आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टीम में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2 है, और वाटर में भी H2O है, सो दे आर मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दो दे आर लुकिंग डिफरेंट। तो इसका मतलब है तो यहाँ पे कन्वर्जन तो हो गया लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लेकिन एक भी न्यू सब्सटेंस यहाँ पे तैयार नहीं हुआ है, तो देन वी कैन से दैट बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इट इज अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया लिक्विड टू गैसियस स्टेट बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग, सो दिस बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इज अ फिजिकल चेंज, एंड द चेंज विच ऑकर्स ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम अगेन इट कैन बी रिवर्स्ड। तो यहाँ पे हम फिर से वो जो स्टीम यहाँ पे तैयार हो गई, ये जो स्टीम है यहाँ पे, इससे हम फिर से वाटर बना सकते हैं, सो दैट चेंज लिक्विड टू गैसियस स्टेट दैट कैन बी चेंज्ड, मीन्स वी कैन अगेन कन्वर्ट दैट गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट टू फॉर्म दी वाटर अगेन, फिर से हम वाटर उससे बना सकते हैं स्टीम से। तो हाउ वी कैन मेक दैट वाटर, तो हमने सी हियर, सो राइजिंग स्टीम ऑफ सम डिस्टेंस अबाउट द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर। नाउ इफ वी लुक एट द इनर सरफेस ऑफ दैट फ्राइंग पैन, अगर आपने फ्राइंग पैन जो है हीट के ऊपर ऐसे आपने होल्ड किया, सो राइजिंग स्टीम एट सम डिस्टेंस अबाउट द बीकर ऑफ बॉइलिंग वाटर, जो आपका जो बॉइलिंग वाटर का बीकर है उसके उस पे आपने ऐसा कुछ फ्राइंग पैन रख दिया, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन कि यू विल सी द ड्रॉप्स ऑफ वाटर स्टिकिंग ऑन दैट पैन, फ्राइंग पैन। तो उस फ्राइंग पैन पे आप कुछ वाटर के ड्रॉप्स देखोगे, और एक्चुअली व्हेन इट वाज हॉट देन दैट राइजिंग स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद दी दैट इन्वर्टेड फ्राइंग पैन, जो स्टीम थी वो उसके कांटेक्ट में आ गई एंड इट गेट्स कूल्ड, उसका कूलिंग वहां पे हो गया, उसका कंडेंसेशन वहां पे हो गया, एंड अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर, तो वहां पे फिर से लिक्विड वाटर तैयार हो गया। सो ड्यूरिंग दिस कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इसे हम कंडेंसेशन बोलेंगे, सो कंडेंसेशन मीन्स यर स्टीम टू दैट वाटर, H2O मीन्स यर वाटर,
स्टीम टू वाटर, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. तो यहां पे कंडेंसेशन हो गया एंड देयर इज ओनली अ चेंज इन टेक्स प्लेस. हियर आल्सो चेंज हो, स्टेट में चेंज हो गया. स्टीम जो थी वो गैसीय स्टेट में थी, उसका कंडेंसेशन होने के बाद वहां पे वाटर तैयार हो गया जो लिक्विड फॉर्म में है. सो देयर इज अ कन्वर्जन और चेंज इन द स्टेट टेक्स प्लेस, दैट इज फ्रॉम गैसीय स्टेट टू लिक्विड स्टेट. बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. न्यू सब्सटेंस यहां पे तैयार नहीं हो गया. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दैट कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. तो कंडेंसेशन जो है ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है. तो ये अगर आपके समझ में दूसरा एग्जाम्पल, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. सो नाउ वाटर, तो ये फिजिकल चेंज हो गया. सो नेक्स्ट वन इज हियर, सी दिस इज द डायग्राम हियर. सो ये लिक्विड फॉर्म में है या फिर इसकी जो स्टीम यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्सपोज होने की वजह से इसका जो कंडेंसेशन हो जाएगा स्टीम का, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉप्स गेट एक्यूमुलेटेड हियर. यहाँ पे भी देखिए आप, तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ दिस वाटर ड्रॉप्स, सो देयर इज, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन. सो हियर दैट स्टीम इज वेरी हॉट वाटर वेपर, क्योंकि स्टीम जो है ये कंपेरेटिवली वेरी हॉट रहती है, that is that water vapor. So we can also say that the conversion of water into water vapor, it is a physical change. Or ye jo conversion hai water to water vapor, this is called as evaporation. Isko hum bolenge evaporation. Evaporation means here conversion of this water to water vapor, that is called as evaporation. So we can say that evaporation of water, it is a physical change. And conversion of water vapor into liquid or liquid water after cooling or on cooling, it is also a physical change. अगर आप water vapor को cool कर रहे, convert कर रहे फिर से water में या फिर liquid water में, तो ये भी physical change है. और हम ये भी कह सकते हैं कि this is called as condensation. So that water vapor to liquid water, this is called as condensation. So we can say that this condensation of water, इट इज अ फिजिकल चेंज. तो ये जो वाटर का कंडेंसेशन होके, वाटर वेपर का कंडेंसेशन होके वहां पे लिक्विड वाटर तैयार हो रहा है, ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है. ओके, सो सेकंड एग्जांपल है यहां पे ऊपर में, दैट चॉक स्टिक का एग्जांपल है. ओके, सो दैट इज अनदर एग्जांपल हियर, चॉक स्टिक. सो लेट अस टेक दैट चॉक स्टिक एंड व्हेन यू विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, so after some time what will happen, so that chalk stick, it will get converted into small chalk particles which is called as chalk dust. So this chalk stick to chalk dust, ये भी एक प्रकार का physical change है. क्योंकि जब teacher, हमारे teacher जब board में लिखते हैं, board पे लिखते हैं, तो after some time what will happen, that chalk dust with particles will get accumulated at the bottom of that blackboard here. So this conversion, तो ये जो conversion हो रहा है chalk stick to chalk dust, it is a physical change. Why it is a physical change? Because both, चाहे वो आपकी chalk stick हो चाहे वो chalk dust हो, these are the same substances, but the size of that substances is different. क्योंकि एक chalk dust जो है, chalk particles जो है, ये इनकी जो size है ये बहुत small, very small size है, और chalk stick जो है ये थोड़ा सा बड़ी size में है. तो खाली साइज यहां पे चेंज हो गई और शेप यहां पे चेंज हो गया, लेकिन कौन सा भी नया सब्सटेंस यहां पे तैयार नहीं हो रहा है, ये चॉक पीस है. ओके, सो न्यू सब्सटेंस इज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक इनटू चॉक डस्ट. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फिजिकल चेंज है. और ये चेंज हम रिवर्स भी कर सकते हैं, चॉक डस्ट जो अभी यहां पे तैयार हो गई, तो इसके, इससे हम फिर से चॉक स्टिक भी बना सकते हैं. मतलब that change can be reversed and it is not permanent. Reverse कर सकते हैं, इसका मतलब ये permanent नहीं है. So we can say that here that making of or breaking of chalk stick to chalk powder or chalk dust, it is a physical change. Or making of chalk stick from that chalk powder or chalk dust, it is also a physical change. See, this is the board here. आपके teacher जब लिखोगे वहाँ पे, तो ये बहुत सारी
जो पाउडर वहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी या फिर एक्यूमुलेट हो जाएगी, और फिर से हम उस चॉक पाउडर से हमारे चॉकस्टिक बना सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। सी हियर, वी टेक द चॉक डस्ट और चॉक पाउडर एंड व्हेन यू विल ऐड अ लिटिल वाटर टू इट देन टू फॉर्म थिक पेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज चॉक डस्ट हियर। सो हियर थिक पेस्ट हम चॉक डस्ट की बना सकते हैं और उससे हम बना सकते हैं चॉक स्टिक। सो दिस दैट्स व्हाई दिस इज द फिजिकल चेंज हियर। सी हियर दिस डायग्राम, दिस इज द चॉक डस्ट और चॉक पाउडर, और इसमें वाटर ऐड करने के बाद एक थीक पेस्ट यहाँ पे तैयार हो जाएगी, और उसी थीक पेस्ट से हम फिर से चॉक स्टिक बना सकते हैं अलग अलग कलर के। तो ये चेंज कौन सा हो गया है? ये फिजिकल चेंज हुआ है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। टीचर जब आपके बोर्ड पे व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, वहाँ पे पाउडर हो जाएगी, और उसी पाउडर से फिर से हम चॉक स्टिक बना सकते हैं। तो ये चेंज हो गया, चॉक स्टिक टू चॉक डस्ट और चॉक डस्ट टू चॉक स्टिक, ये चेंज परमानेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। तो इसलिए हम उसे क्या क्या बोल सकते हैं? फिजिकल चेंज बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, सेम थिंग इज हियर, दैट इज व्हेन वी डिसॉल्व दैट कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। सो डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर टू फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर टू फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन, और उसे ड्राई करने के बाद फिर से वहां पे सॉल्ट तैयार हो जाएगा, मतलब रिवर्स कर रहे हैं हम चेंज। तो ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। सो हाउ वी कैन डू दैट? वी टेक सम वाटर इन अ पोर्सिलिन डिश और इन ग्लास एंड डिजोल्व सम कॉमन सॉल्ट इन इट। आपको एक ग्लास में पोर्सिलिन डिश में वाटर लेना है, और उसमें आपको क्या करना है? कॉमन सॉल्ट डिजोल्व करना है। सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन? दैट सॉल्ट इट गेट डिसअपीयर्ड एंड इट फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वहां पे सॉल्ट जो हमने डाला है उसमें वो डिसअपीयर हो जाएगा, उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा, और वहां पे क्या तैयार होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार होगा। नाउ हियर चेंज टेक्स प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। सो लेट्स नाउ हीट दिस पोर्सिलिन डिश। अभी यहाँ पे चेंज हो गया है, क्योंकि आपका जो सॉलिड था या फिर सॉल्यूशन वहां पे तैयार हो गया। उसके बाद अगर उस सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप हीट करोगे, सो दैट वाटर इवेपोरेट्स, वाटर में जो था उसमें वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा, एंड व्हाइट पाउडर विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन दिया पर्टिकुलर पोर्सिलिन डिश। वहां पे व्हाइट पाउडर उसी तरह से रह जाएगी। तो इसका मतलब है, एंड इफ वी टेस्ट दिस व्हाइट पाउडर सो वी विल फील और टेस्ट इट एज अ सॉल्टी। तो इसका मतलब है फिर से वो सॉल्ट तैयार हो गया यहाँ पे। सो दिस मेकिंग ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग दैट कॉमन सॉल्ट इन वाटर और क्रिएटिंग और फॉर्मिंग ऑफ दैट सॉल्ट आफ्टर हीटिंग दैट सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो ये भी एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। सी हियर, यहाँ पे आप पहले प्रोसेस में ये सॉल्ट पाउडर, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आप उस ग्लास में डाल रहे हैं, तो ये आफ्टर सम टाइम इट गेट डिसअपीयर, मतलब ये पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और यहाँ पे तैयार होगा सॉल्ट सॉल्यूशन। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उसको हीट करेंगे, सी हियर दिस इज अ ग्लास फॉर एग्जांपल, और आपको आप यहाँ पे उसे हीट कर रहे हैं, तो इसका इवेपोरेशन हो जाएगा, दैट वाटर विल रिमूव फ्रॉम हियर, और बाद में बॉटम पे जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो पूरा सॉल्ट रहेगा। व्हेन यू टेस्ट इट, इट विल फील्स दैट टेस्ट विल बी लाइक अ सॉल्ट। तो ये कन्वर्जन रिवर्स कर सके हम प्रोसेस, सॉल्ट सॉल्यूशन भी वहां पे बन गया, और उसी सॉल्ट सॉल्यूशन से हमने वहां पे सॉल्ट हमारा गेन किया। तो ये चेंज जो था वो टेम्पररी चेंज था, ये परमानेंट चेंज नहीं है। दैट्स वाई इट इज अ फिजिकल चेंज। ओके, सो इट इज अ फिजिकल चेंज, ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सो द सेम कॉमन सॉल्ट विच हैड डिसॉल्व्ड इन द अर्लियर, दैट मीन्स न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज नॉट बीन फॉर्म, एंड दैट्स वाई इट इज अ फिजिकल चेंज। सो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, सो इट इज ऑल्सो, अगर आप सॉल्ट की जगह पे शुगर भी लेंगे आप, तो भी ये फिजिकल चेंज है, सेम प्रोसेस। देन ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास टम्बलर, सो अगर आपने
Just take the example of glass tumbler here. It will break and it form many pieces. When there is the breaking of this glass tumbler, it will produces or forms many pieces, and each piece of that glass tumbler is steel glass. ऐसा नहीं कि ब्रेक होने के बाद इसका कन्वर्जन हो गया और वो प्लास्टिक बन गया, नहीं है. इट विल रिमेन ग्लास. देन वी कैन से दैट सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर ओनली द साइज एंड शेप ऑफ दैट ग्लास इज चेंज्ड. उस ग्लास का साइज और शेप यहाँ पे चेंज हो गया, क्योंकि जब अनब्रोकन था ये ग्लास तो ये अच्छी तरह का टम्बलर था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया तो इसके पीसेस हो गए, साइज भी चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गया. लेकिन ग्लास ग्लास है, ग्लास का प्लास्टिक नहीं हुआ है, तो देर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. तो देन वी कैन से दैट दिस ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. तो ये जो ब्रेकिंग है ग्लास टम्बलर का, ये भी कौन सा है, फिजिकल चेंज है. सी दिस इज द ब्रेकिंग दैट ग्लास एंड दैट ग्लास इज ब्रोकन हियर, सो मेनी दैट पीसेस आर फॉर्म. लेकिन ये प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये ग्लास ग्लास ही रहा है. तो वी कैन से देर इज नो चेंज टेक्स प्लेस इन दैट सब्सटेंस. इट रिमेन्स बिफोर ब्रेकिंग इट वॉज ग्लास, आफ्टर ब्रेकिंग इट इज ऑल्सो ग्लास. सो देर इज नो चेंज इन दैट सब्सटेंस टेक्स प्लेस. इट रिमेन्स ग्लास बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकिंग, बट द साइज एंड शेप ऑफ दैट ग्लास इज चेंज हियर. सो दैट्स वाई इट इज अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हीटिंग अ हेक्सो ब्लेड. सो हेक्सा ब्लेड इट इज अ लॉन्ग टूथ ब्लेड which is used to cut metal objects. मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पे. सी दिस आर दी सम फ्यू दैट हैक्सॉ ब्लेड्स हियर. सी दिस आर दी वेरी स्मॉल पीसेस, टूथ्स आर, टीथ आर देयर हियर, एंड दैट कैन बी यूज फॉर द कटिंग ऑफ मेटल पीसेस. मेटल को कट करने के लिए यूज किया जाता है. सो एंड टेक ए नाउ व्हेन यू विल हीट दिस हैक्सॉ ब्लेड हियर टिल रेड हॉट, मतलब पूरी रेड हॉट होने तक जब आप इसको हीट करोगे, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट द टिप ऑफ दैट हेक्सा ब्लेड गेट्स हीटेड. ये हीटेड हो गई, हीट हो गई टू मच एंड इट टर्न्स रेड इन कलर. हीटिंग करने के बाद आफ्टर सम टाइम दैट टिप ऑफ दैट हेक्सा ब्लेड इट गेट रेड इन कलर और इट इज कॉल्ड एज रेड हॉट. नाउ रिमूव द टिप ऑफ दैट हेक्सा ब्लेड फ्रॉम द बर्नर. आपने उस बर्नर से रेड दैट हेक्सा ब्लेड को रिमूव किया, उसको कूल होने दिया, ठंडा होने दिया, और उसके बाद जो आफ्टर कूलिंग व्हाट विल हैपन, दैट ब्लेड गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्रे कलर. वो रेड हॉट जो होने थी, रेड कलर जो आया था वो फिर से चला गया. इसका मतलब है ये जो चेंज था कलर में हेक्सा ब्लेड के हीटिंग करने के बाद एंड कूलिंग करने के बाद, ये जो चेंज था ये टेम्पररी चेंज था. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट हीटिंग ऑफ हेक्सा ब्लेड टू रेड हॉट स्टेज इज अ फिजिकल चेंज. और ये रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में रेड हॉट होने के बाद फिर से हम उसको कूल कर रहे हैं तो दैट विल अगेन चेंज टू इट्स ओरिजिनल कलर. सो दैट कलर, दैट प्रोसेस कैन बी रिवर्स. और मतलब ये जो चेंज हो गया ये टेम्पररी चेंज है, इट इज नॉट परमानेंट. तो इसे भी हम, दैट्स वाई वी कैन सी हियर इट इज अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स. सो जस्ट वॉच दिस होल वीडियो एंड इफ एनी डाउट्स यू कैन कमेंट ऑन दिस कमेंट बॉक्स. थैंक यू.